तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेन कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात होगी, ठीक है? तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, करंट अफेयर है कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन के, है ना? तो पूरा देखिए इसको, है ना? अभी जो हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, 3 मई 2020 की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, है ना? ये करंट अफेयर है। और ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक में शर्मा कोचिंग क्लासेस करके ऐड हो जाइए। इस वीडियो की पीडीएफ हम उसी लिंक में सेंड करेंगे और वहां से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देंगे, ठीक है? चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आज का आपके पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, कि किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया? ये एक्चुअली में होता क्या है, ये किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए और किसानों को मंडी डीलर लोगों से जो होने वाले जो प्रॉफिट है उसको दिलाने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के कारण, मतलब कोरोना वायरस के कारण, जो किसानों की जो फसल उत्पादन में मिलने वाली कीमतों में बहुत डिफरेंस आ रहा था, इसलिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने, इसे लॉन्च किया है, जो कि ये बताएगा कि आपको किसानों को तक ये पहुँच पाएंगे, उनके फसलों की उचित वैल्यू दे पाएंगे और साथ में उनको डीलर से या मंडी में होने वाले भाव मोल भाव से हर चीज से अवगत कराएंगे, ठीक है? यह है पहला क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो सीधा आंसर इसका याद रखना, 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। डे से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे यहां पर से। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है, बस आपको याद रखना है, ठीक है? अगला यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कौन सा राज्य अधिक रोजगार दिया, मतलब मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कौन से राज्य ने अभी कोरोना वायरस के समय में सबसे अधिक रोजगार दिए? तो गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार, जहां हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सबसे अधिक रोजगार दिया गया है मनरेगा के तहत, जिसके कारण हमारी बेरोजगारी दर भी घटी है अभी, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGPSC CG व्यापम कोई भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद करेंगे। इसकी PDF हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखेंगे आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आएगा कि G20 इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन कौन सा देश मेजबानी करेगा? G20 इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन में कौन सा देश अभी मेजबानी करेगा? 2020 की बात हो रही है इकोनॉमिक पे, तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब में होना है, पर ये कैसे होगा, ये फिजिकल ना हो के वर्चुअल होगा, मतलब सभी लाइव सेशन के तहत सभी देश ऐड होंगे और इकोनॉमिक जो हमारी गिर चुकी है, पूरे विश्व की GDP दर पूरी कम हो चुकी है, पूरा पैसे का वैल्यू डाउन हो चुका है, उस पर चर्चा होगी। ये पहली बार वर्चुअल होगा सऊदी अरब में। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये कि विकास अभय ऋण योजना किस किस बैंक ने अभी हाल ही में प्रारंभ किया? बिल्कुल, अभी ऋण योजना बहुत कम दरों पे सबके लिए लॉन्च किया गया है, विकास अभय। अभय मतलब डरने का नहीं है ना, अभय ऋण योजना हाल ही में कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च हुआ है कर्नाटक की सरकार द्वारा, ठीक है? सरकार नहीं कह सकते, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, छोटे किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, जिनकी अभी कोरोना वायरस के चलते जो कि बिल्कुल जो बिजनेस है पूरा खत्म हो चुका है, जहाँ पे पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर कर देना, ठीक है? अगला देखेंगे, अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वो आंसर है 1 मई। आपको सबको पता है कि दुनिया में कोरोना वायरस के चलते जो दिहाड़ी मजदूर है, जो एक दिन कमाते एक दिन खाते, उनको बहुत दिक्कत जा रहा है, तो श्रमिकों के लिए, है ना, जो बेचारे बहुत काम करते हैं, है ना, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, ये श्रमिकों के लिए होता है, है ना? आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों के लिए एक दिन का खाना मतलब पा पाना भी बहुत मुश्किल
मुश्किल है, गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, लोग हमारे मदद कर रहे हैं, तो श्रमिक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। आज संडे है, वैसे तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता, पर मैंने सोचा एक छोटा सा करंट अफेयर आपको दे दूं, अपने स्टूडेंट को दे दूं, अपने सब्सक्राइबर को दे दूं, ताकि आप भी हल्का फुल्का अपडेट हो पाओ, ठीक है। अगला देखते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है इसका 30 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, बहुत छोटे क्वेश्चन थे, छोटा टॉपिक था, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, याद रखना, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली का करंट अफेयर आपको दे सकूं, सीजी का भी करंट अफेयर आपको मिलना चालू हो जाएगा। मंडे से नए टाइम टेबल के अनुसार हम लाइव टेस्ट भी लेंगे, है ना, CGPSC की क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट हम अपने चैनल में लाते रहते हैं। इस वीडियो की PDF हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप शर्मा कोचिंग क्लासेस में अपलोड कर दी जाएगी कुछ देर के बाद, और बाकी जो PDF आपको नहीं मिले हैं पेड ग्रुप के बच्चों को मैं कुछ देर में देना चालू करूंगा। आज संडे है, पर आज की आज डेट में आपको सारे PDF आपके व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम नंबर पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, और किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर से जुड़कर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।